आज सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति कोटला रोड फिरोजाबाद द्वारा प्रबंध समिति के पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। इस प्रक्रिया को आज 2 बजे समिति के कार्यालय अयोध्या जी रामलीला मैदान पर संपन्न कराया गया। इस बार के समिति के चुनाव में जितने भी पदाधिकारी चुने गए वह निर्विरोध निर्वाचित हुए। समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मयंक भटनागर को चुना गया, उपाध्यक्ष के रूप में सुरेश चंद्र यादव, सचिव के रूप में रक्षपाल सिंह यादव, उप सचिव उमेश चंद्र यादव, कोषाध्यक्ष विपिन बिहारी शर्मा और आय व्यय निरीक्षक डॉक्टर सुधीर यादव को चुनाव समिति द्वारा चुना गया। पदाधिकारियों के पद की घोषणा के बाद समिति के सभी सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और धन्यवाद ज्ञापित किया। मुझे स्वीकार है और मैं प्रयास करूंगा कि इस वर्ष रामलीला में और थोड़ी भव्यता आए। वैसे तो रामलीला के सभी अरेंजमेंट पहले से ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके अंदर और भव्यता लाने का प्रयास किया जाएगा। और हमेशा एक सीखने की प्रवृत्ति रहेगी कि जहाँ भी जो कमी हो उसको दूर किया जाए। महिलाओं की सुरक्षाओं पर बहुत ध्यान दिया जाएगा कि सारी महिलाएं जो धर्म प्रेमी हैं और रामलीला को देखने आती हैं वे सुरक्षित रहें। बहन बेटियों की सुरक्षा पर बहुत जोर दिया जाएगा एवं मंचन पे और मंचन को और भव्य बनाने पर भी हम प्रयास करें। यहाँ की रामलीला से प्रथम नंबर जो है रामनगर बनारस का आता है, उसके बाद फिरोजाबाद की रामलीला। जनपद में नहीं, पूरे प्रदेश में और देश में रामलीला में मंचन जो होता है वो स्टेज का होता है, लेकिन फिरोजाबाद की रामलीला का मंचन मैदानी मंचन है। तो यहाँ की एक ऐतिहासिक रामलीला आयोजन है जिसको उत्तर भारत में नहीं पूरे देश में पहले नंबर पर गिना जाता है। और रामलीला का कार्यकाल करीब 22 या 23 दिन चलता है और 23 दिन लगातार हमारा प्रयास रहता है कि रामलीला इस प्रकार से हम आयोजित कराएं कि शहर की जनता बड़े उत्साह से उमंग से रामलीला देखने आए। तो हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि रामलीला आयोजन ऐसे ढंग से कराया जाए कि पूरा शहर ही नहीं प्रशासनिक अधिकारी भी यह एहसास करें कि रामलीला फिरोजाबाद की एक ऐतिहासिक मेला बालपुर में है। हम लेकिन फिर भी विडम्बना यह रहती है कि जब रामलीला का आयोजन होने की स्थिति में आते हैं तो शहर के कुछ अवांछनीय तत्व या कुछ समाज विरोधी तत्व इसमें अड़ंगा डालने की कोशिश करते हैं। और लगातार ये प्रयास करते चले आ रहे हैं कई वर्ष से कि रामलीला कैसे ही इन लोगों से हटा के उन लोगों के हाथ में आ जाए जो पूर्व में लुटेरे बने रहे थे। हमारा प्रयास यही रहता है और संघर्ष भी रहता है कि प्रतिवर्ष हमें संघर्ष भी करना पड़ता है शासन से, प्रशासन से और आम नागरिक से। इस बार हमने कमेटी का जो गठन किया है तो कमेटी में समान अनुपात के हिसाब से हर जाति हर वर्ग को समायोजित किया गया है। इसमें हमें किसी को ये कहने का मौका नहीं दिया गया है कि कमेटी में चुनाव कराते समय भेदभाव बरता जाता है। हम हमेशा सामाजिक दृष्टि से, सनातन धर्म की दृष्टि से संपूर्ण हिंदू समाज को जोड़ते हुए चलने वाले हैं। हमें इसमें जाति विशेष का कोई विशेष लाभ लेने के लिए हम यहाँ बैठे नहीं हैं, लेकिन हम संपूर्ण हिंदू समाज जो सनातन धर्म में आस्था रखता है उनको सबको समायोजित करते हुए रामलीला का आयोजन कराने के लिए प्रयास रहते हैं। इस बार हमने एक नया रूप अध्यक्ष श्री मयंक भटनागर को दिया है। मयंक भटनागर में उत्साह है, उमंग है, वो हर कार्य को बढ़ चढ़ के करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस वर्ष रामलीला आयोजन में श्री मयंक भटनागर जो रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं वो अपनी उत्सुकता, उमंग और उत्साह से रामलीला के आयोजन में भाग लें और रामलीला का आयोजन एक अच्छे ढंग से कराएं ताकि शहर में संदेश जाए कि रामलीला प्रति वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष बहुत अच्छी हुई। कौन कौन और पदाधिकारी आपने बनाए हैं? इस वर्ष अध्यक्ष बनाए हमने मयंक भटनागर, उपाध्यक्ष बनाए श्री सुरेश चंद्र यादव, सचिव मैं स्वयं हूँ, उप सचिव बनाए हमने श्री उमेश चंद्र यादव, कोषाध्यक्ष बनाए पंडित विपिन बिहारी शर्मा, अंकेक्षक ऑडिटर श्री सुधीर यादव, ऐसे करके 6 पदाधिकारी हैं।